दोस्तों 2018 में रिलीज हुई रोबोट 2 फिल्म भारतीय सिनेमा की सबसे महंगी फिल्मों में से एक है, जिसमें अक्षय कुमार ने पक्षीराजन का किरदार निभाया था और साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत वशीकरण के किरदार में नजर आए थे। आज हम आपको इस वीडियो में रोबोट 2 की पूरी शूटिंग दिखाएंगे, यानी कि इस फिल्म को आखिर किस प्रकार से बनाया गया था। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस फिल्म में पक्षीराजन के रूप में नजर आए अक्षय कुमार के बारे में। दरअसल अक्षय कुमार को पक्षी के रूप में तैयार करने के लिए 15 से 20 मेकअप एक्सपर्ट की टीम हर वक्त सेट पर मौजूद होती थी। हर रोज मेकअप के लिए 4 से 5 घंटे का समय लगता था, जिसे आप इस वीडियो में बखूबी देख सकते हैं। दोस्तों फिल्म के दूसरे सीन में आपने देखा होगा कि कैसे मोबाइल फोन जो ट्रक में भरे हुए होते हैं वो अचानक उड़कर बाहर आ जाते हैं। देखिए कैसे इस सीन को रात के समय शूट किया जा रहा है, जहां पीछे बैठा कैमरामैन पूरे सीन को अच्छी तरह से अपने स्क्रीन में फिल्माता हुआ नजर आ रहा है, और फिर VFX की मदद से बैकग्राउंड को सीन के हिसाब से सेट किया जाता है। दोस्तों इस फुटेज में आप रजनीकांत यानी कि वशीकरण की लैब को देख सकते हैं, जहां कई सारे रोबोट्स वहां रखे हुए होते हैं और रोबोट्स को चलाने के लिए धागे का इस्तेमाल किया गया था, जिसे रोबोट्स के पैरों में बांधा जाता है और फिर एडिटिंग के दौरान उसे आसानी से हटा दिया जाता है, ताकि फिल्म में हमें रोबोट्स असली में चलते हुए नजर आए। दोस्तों रोबोट मूवी का ये सीन लोगों द्वारा काफी पसंद किया गया था, जिसमें रोबोट चारों तरफ गोलियां बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए कैसे नीले पर्दे के आगे रजनीकांत सर को खड़ा कर दिया जाता है और क्रोमा तकनीक की मदद से उनके चारों ओर बंदूकें लगाई जाती है और विजुअल इफेक्ट के जरिए उस बंदूक को चलाया जाता है, जिसे हमें लगे कि सच में गोलियां बंदूक से फायर हो रही है। इस फिल्म में हमें दिखाया जाता है कि कैसे पक्षीराजन वशीकरण के घर के ऊपर आ जाता है। तब वशीकरण अपने बेड पर सोए हुए होते हैं। देखिए उसके पीछे की शूटिंग कुछ इस प्रकार से की गई थी, जहां कैमरामैन वाइड एंगल से पूरे सीन को कैप्चर करता हुआ नजर आ रहा है और ऊपर कई सारी लाइट्स लगाई गई है, ताकि रात के समय शूटिंग के कोई दिक्कत ना आए। और आखिर में पीछे दिख रहे नीले पर्दे को एक रूम में बदल दिया जाता है। दोस्तों इस फिल्म का क्लाइमेक्स सीन हमें क्रिकेट स्टेडियम में देखने को मिलता है, जहां पक्षीराजन स्टेडियम के सारे दरवाजे मोबाइल फोन से बंद कर देता है और वहां चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। तब वहां रोबोट की एंट्री होती है। देखिए उसके पीछे की शूटिंग में आप देख सकते हैं कि कैसे रजनीकांत रस्सी की मदद से लटकते हुए पक्षीराजन के पास आते हैं और फिर CGI के जरिए पूरे सीन को फाइनल एडिटिंग के दौरान विजुअल इफेक्ट दे दिया जाता है, जिसे हमें पूरा सीन असली लगे। दोस्तों रजनीकांत सर का रोबोट वाला सूट तैयार करने में काफी समय लगता था, जिसे आप इस फुटेज में देख सकते हैं। कैसे रजनीकांत सर की बॉडी को स्कैन किया जा रहा है और सूट बन जाने के बाद उसे पहनाने और मेकअप करने के लिए 10 से 12 लोगों की टीम हर वक्त सेट पर मौजूद होती थी, जिसे आप यहाँ बखूबी देख सकते हैं। दोस्तों अगर रोबोट 2 फिल्म की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें, तो ये फिल्म ने करीब 725 करोड़ की कमाई की है और इस फिल्म में काम करने वाले हर एक कलाकार ने अपने किरदार को निभाने के लिए मोटी रकम ली है, जिसमें साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत ने रोबोट 2 फिल्म में वशीकरण का किरदार निभाने के लिए 120 करोड़ जितनी मोटी फीस चार्ज की है। अगर वही बात करें बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार के बारे में, जिनके पक्षीराजन के किरदार को लोगों द्वारा काफी पसंद किया गया था, इसके लिए उन्होंने 60 करोड़ रुपए लिए थे। और इस फिल्म में एमी जैक्सन अपने किरदार को निभाने के लिए 10 करोड़ रुपए लिए थे।
दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और आपको अक्षय कुमार और रजनीकांत सर में से किनकी एक्टिंग सबसे ज्यादा पसंद आई थी उनका नाम हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल अमेजिंग इन्फॉर्मेशन को जरूर से सब्सक्राइब करें।